अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक है योम आज़ादी। योम आज़ादी का मतलब है आज़ादी का दिन। इस सबक से हमें मालूम होगा कि हम सब आज़ादी का दिन कैसे मनाते हैं और इस दिन की क्या अहमियत है। त्यौहार कौमों की ज़िंदगी में ख़ास अहमियत रखते हैं। जिंदा कौमें अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों और इनकी खिदमात के एतराफ़ में ये त्यौहार हर साल मनाया जाता है। असल में त्यौहार और इस सिलसिले में मनाई जाने वाली तकारीब कौमों की ज़िंदगी की दौड़ में एक हल्का सा ठहराव है, जिसमें इंसान मुड़ कर माजी की जदोजहद की तरफ देखता और अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों और कोशिशों को सराहते हुए एक नए जज्बे और इरादे के साथ इनकी मुकर्रर किए गए रास्तों पर चलने की कोशिश करता है। हमारी आज़ादी की तारीख बड़ी तवील सबर आजमा और अजीम जदोजहद से इबारत है। 14 अगस्त 1947 को लोग एक ऐसे जज्बे से सरशार थे जो सारे दुखों और गमों को बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा कर रहा था। हम महकूमी और गुलामी से नजात हासिल कर चुके थे। 14 अगस्त मुसर्रत और खुशी का दिन है। हुकूमत और आवाम इसे योमी आज़ादी के तौर पर हर साल धूमधाम से मनाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में तकरीरी मुकाबले, मुबाहसे और तस्वीरी नुमाइशें मुनक्किद की जाती हैं। तमाम सरकारी और गैर सरकारी अहम इमारतों पर चरागाह किया जाता है। जलसे जुलूस निकाले जाते हैं। घरों पर कौमी परचम लहराए जाते हैं। गलियों बाजारों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया जाता है। तहरीक आज़ादी, तहरीक पाकिस्तान के शहदा की रूहों के एहसाले सवाब के लिए गुरबा में खाना और कपड़े तकसीम किए जाते हैं। अदबी मजालिस मुनक्किद की जाती हैं। 14 अगस्त के दिन से हमें क्या सबक हासिल होता है कि हम अपने जाती लड़ाई झगड़ों को छोड़कर मुत्तहिद होकर रहें और ये बात जहन नशीन रखें कि कोई ऐसा काम या हरकत ना करें जिससे दूसरे ममालिक को हमारे वतन पर उंगली उठाने का मौका मिले, और हमें अपने शहीदों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब आप इस पूरे चैप्टर की रीडिंग करें अपने वालदैन की निगरानी में और इसे समझने की कोशिश करें।